हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चाहे आप सभी अच्छी तरह से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेल का शरबत। इंग्लिश में बेल को एंग्लो मार्मेलिस कहते हैं। अलग अलग देशों में ये अलग से पुकारा जाते हैं। बंगाल में गोल्डन एप्पल और जापानीज में स्टोन एप्पल भी कहते हैं। ये शरबत बनाना आसान है। पहले मैं ये जो भीतर का हिस्सा है वो बाहर कर लेती हूँ और इसके साथ चाहिए मिल्क, शुगर और थोड़ा नमक भी आप दे सकते हैं। अब इधर पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। छानने से इधर जो वेस्ट से वो बाहर हो जाते हैं। ये सभी पाचन समस्याओं के लिए सबसे अच्छा फल है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। अब इधर थोड़ा मिल्क और थोड़ा शक्कर मिला लेने से इसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाते हैं। अच्छी तरह से ये मिक्स भी करना चाहिए। देखिए ये बेल का शरबत बन चुकी है। बेल का ये शरबत रमजान महीने पीने से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। पूरा रमजान महीने में मैं तो ये से 4 दिन बना ही लिया। ये भी अलग अलग दिनों का ही शरबत है। आपकी स्वाद अनुसार इधर ज़्यादा मिल्क भी डाल सकते हैं और मिल्क स्किप भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा ये रेसिपी अच्छी लगे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा अच्छे लगे है तो घर में ज़रूर बना लीजिए और आप भी पिए और बच्चे को भी दीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।